1 अगस्त 2022 से आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक होना शुरू हो गए हैं। आधार कार्ड आप खुद घर बैठे अपने वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिंक कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको एक ऐप सर्च करना है, वोटर हेल्पलाइन। और उसे सर्च करना है। हमारे सामने आ चुका है वोटर हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन इंडिया का। इसे इंस्टॉल करेंगे। ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसे ओपन करेंगे। वोटर हेल्पलाइन भारत निर्वाचन आयोग का ये ऐप है। ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ एक चेक बॉक्स पर बना हुआ है, इस पर आपको एग्री करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ये ऐप खुलकर आपके सामने आ चुका है। अब आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए आपको क्लिक करना है वोटर रजिस्ट्रेशन पे। वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पर ये वोटर सर्विसेज आ चुकी है। लैंग्वेज सेटिंग, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, डिलीटेशन फॉर्म 7, करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, और सबसे नीचे आया है इलेक्ट्रॉल ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B। तो आपको इस पर क्लिक करना है, फॉर्म 6B फिल करना है। आधार को वोटर आईडी से लिंक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मैं अपने मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने पर ओटीपी आएंगे आपके नंबर पर, वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। ओटीपी हमने डाल दिए हैं, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये पेज खुलकर हमारे सामने आ गया है और ये पूछ रहा है, डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर। आपके पास आपके वोटर आईडी नंबर हैं तो वोटर आईडी नंबर पे हमें यस करना है और इसको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने वोटर आईडी नंबर डालने हैं और स्टेट सेलेक्ट करना है। वोटर आईडी नंबर हमने डाल दिए हैं, स्टेट सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद फेस डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। फेस डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद नीचे आ गया है, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी, प्लीज़ क्लिक ऑन प्रोसेस बटन। प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल आपकी खुलकर आपके सामने आ चुकी है। नेम, एज, जेंडर, पेरेंट्स नेम, असेंबली, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चीज़, पोलिंग स्टेशन, पार्ट नंबर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर आपका नाम है, एल रोड कौन से इलेक्ट्रोल में आपका एंटर हो वो नाम है, एपिक नंबर है। नीचे आपको अपने आधार नंबर डालने हैं, इसमें आप आधार नंबर डालेंगे और उसके नीचे एक मोबाइल नंबर का कॉलम है, उसमें मोबाइल नंबर, और उसके नीचे ईमेल आईडी, और सबसे नीचे का जो ऑप्शन है उसमें आपको पैलेस डालना है, जहाँ से आप जो ये वोटर आईडी डाल रहे हो। तो मैं सारी डिटेल फिल करके डन करूँगा। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैलेस, सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी है। पैलेस में आपको वो जगह डालनी है जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। उसके बाद अब आपको नीचे जो डन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये आपका पूरा फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल है। नीचे कन्फर्म का ऑप्शन है, इस पर आपको राइट का टिक करना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं।
ये आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस तरह आप अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप अपना लिंक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।